दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद वो मेरे पैगंबर की दुआ थी और मेरे पैगंबर ने उमर से कहा था उमर मेरे लिए दुआ करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हुजूर ये बताना चाहते हैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पे किसी की दुआ को हल्के में मत लेना। ये हुजूर ध्यान देना चाहते हैं। और हमारा सुन्नी रात में 12 बजे तक बैठेगा, 1 बजे तक बैठेगा, जब दुआ का टाइम होगा तो सबरे लोग फुरफुरा के मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, भाग जाएंगे। दुआ में कौन बैठेगा? सलाम में कौन रहेगा? जिस सलाम के लिए झगड़े करते हो उसी सलाम में तुम शरीक नहीं हो। मस्जिदों में झगड़े करते हैं कि देवबंदी को घुसने नहीं देंगे मस्जिद में, वो हमको सलाम से रोकता था। आज तुमको सलाम से किसने रोका है जो भागे फिर रहा? किसने रोका है? आज तुमको दुआ से किसने रोका है जो भागे फिर रहे हो? गुटखे की दुकान पे जो अड्डाबाजी हो रही है, चाय की दुकान पे जो अड्डाबाजी हो रही है, इस अड्डाबाजी का जिम्मेदार कौन है? तू है। तुमने अपनी बेटी को मजार पे लाए होते, आज से करो, आज से 50 बरस पहले, हजारों बरस पहले हमारे बुजुर्गों ने कह दिया था, हुजूर ने फरमाया था, लअनल्लाहु ज़ाइरातिल कुबूर, ये मुस्तफा फरमाते हैं। कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत, तो ये मुस्तफा ने कहा था। मैं किसी ऐसी वैसी की ज़बान नहीं बोल रहा, जमीन पर सकती, आसमान पर सकता है, मगर हुजूर का कहा हुआ टल नहीं सकता है। हुजूर ने कहा था लअनल्लाहु ज़ाइरातिल कुबूर, कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर खुदा की लानत हो, ये मुस्तफा ने कहा था। फिर किस मुंह से अपनी बीवी को मजार पे लेकर के आते हैं? फिर किस मुंह से अपनी बेटी को मजार पे लेकर के आते हैं और मजार पे लेकर के जाते हैं? कौन सी बुनियाद पर, कौन सी मजबूरी है मेरे साथ? मेरी बीवी अगर मुझसे जिद करती है तो मैं कैसा कैसा शौहर हूं जो अपनी बीवी को रोक नहीं पाता हूं? किस बुनियाद पर? मंदिरों में भीड़ लगती है, मर्द औरत सारे लोग साथ जाते हैं तो रात भर में 50 तरह के क्राइम होते हैं, तुमको अंदाजा है तुम्हारे उस समय क्या होता है? कौन बोलेगा इस हकीकत को? कौन सोचेगा इसके बारे में? शॉर्टकट में जन्नत चाहिए ना, तेरे बाप की जन्नत है, मेरे बाप की जन्नत है, पीर साहब आ गए तलवा चाटने लगे, वो पीर जन्नत में जाएगा, गारंटी है कि वो पीर तुमको जन्नत में ले जाएगा। कयामत में वो पीर का ही देखना हाल क्या होगा। कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। मैं किस मुंह से कह दूं कि तुम जन्नत में चले जाओगे जबकि मेरी खुद की गारंटी नहीं है? मैं खुद जन्नत में जाऊंगा लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मैं किस मुंह से तुमको कह दूं कि तुम जन्नत में चले जाओगे? जन्नत की गारंटी तो वो देगा जो जन्नत का मालिक होगा, और जन्नत के मालिक सिर्फ मेरे मुस्तफा हैं। जोर से जोर से जोर से, जन्नत के मालिक सिर्फ मेरे मुस्तफा हैं। शादी हुई, एक साल नहीं हुआ, अपनी बीवी के साथ अलग मकान पे किराया लेकर के रहते हैं, अपनी बीवी को रसगुल्ले खिलाते हैं, सुबह में रसमलाई खिलाते हैं, साथ शाम के टाइम में उसे रसमलाई रसगुल्ला सब कुछ खिलाते हैं, मगर मेरी माँ से 2 साल से बातचीत बंद है। मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच हुआ कि नहीं, रात का डिनर हुआ कि नहीं, हमने इसकी खबर नहीं ली। मैं कहता है जालिम अपनी माँ को नाराज करके अपनी बीवी को खिलाता है, और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाते हैं तो पीर साहब का तलवा चाटने लगता है। पीर साहब का तलवा चाटने से जन्नत मिल जाएगी क्या? खबरदार खबरदार, मुस्तफा ने पीर के कदमों में जन्नत नहीं रखा है। हुजूर फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है जन्नत, ये हुजूर ने फरमाया था, रसूल दीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मगर हमें एहसास नहीं है। दुपट्टे की जैसे ही हवा लग जाती है तेवर बदल जाता है, और बोलता अपनी माँ से कि मेरी माँ तुम नहीं समझती हो, हम समझते थे कि बड़ा भैया गलती कर रहा है, मगर अब मेरी शादी हुई तो मुझको समझ में आ रहा कि तुम नहीं समझती हो, बेवकूफ, तेरी माँ नहीं समझती। जिस वक्त तुझे भूख लगती थी रोता था, प्यास लगती थी रोता था, सर में दर्द होता था रोता था, पेट में दर्द होता था, ए लड़का ए कहाँ जा रहा है? नौजवानों के लिए तक
बहनों पर नजर डाली, तुम्हारी बहनें माफूम नहीं है। तुमने ये कहा था ना कि गैर मुस्लिम लड़की से प्यार करके शादी कर लेंगे, उसको मुसलमान बना देंगे, पुण्य का काम होगा। किसने कहा? हमारे बुजुर्गों ने ऐसा ही किया है क्या कि प्यार करके शादी किया फिर मुसलमान बना लिया? अपने कैरेक्टर से मुसलमान बनाओ फिर शादी करो, तब कमाल की बात। क्या बात है हजरत, क्या बात! तब लोग कहेंगे कि ये इतना अच्छा है तो इनका पैगंबर कितना अच्छा होगा। हाय 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 हाय! खाली खाने पीने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। खाना ही खाना है तो ऐसा खाओ डॉक्टर इकबाल के घर में। ईद के दिन चार दोस्त आए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ईद के दिन डॉक्टर इकबाल ने दस्तरखान लगाया, सेवई लगाई। सेवई खाकर जब दस्तरखान से वो चारों ईसाई दोस्त उठने लगे तो उन चारों ने कहा था, इकबाल जिस मजहब के मानने वालों का दस्तरखान इतना साफ सुथरा है उसका मजहब कितना साफ सुथरा होगा। आज से जो जिसका तू कलमा पढ़ता आज से हम लोग भी उसी पैगंबर का कलमा पढ़ते। वाह वाह! दस्तरखान साफ रखा तो चार लोग मुसलमान हो गए। यह है इस्लाम का, इस्लाम की तबलीग। तबलीग करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि बड़ा सा जुब्बा हो, बड़ी सी टोपी हो, गमछा लगाए, जीट जाट में चश्मा पहने वही तबलीग करेगा, जरूरी नहीं। टायर का पंचर बनाने वाला भी हुजूर के दीन की तबलीग कर सकता है। हाय हाय, क्या बात है! शर्त है कि तुम अपना कैरेक्टर वैसा बनाओ। चाय की दुकान पे चाय लेकर के बैठ के चाय पीना, बैठ कर चाय पीना, लोग कहेंगे तुमने बैठ कर क्यों पिया? आप कहोगे कि बैठ कर पीने का तरीका मेरे पैगंबर ने मुझको दिया, तो लोग उसकी तहकीक तक पहुंचेंगे, लोग उसकी तहकीक तक पहुंचेंगे। और जब तहकीक तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि जो खड़े होकर के पानी पीता है उसको हाइड्रोसिल की बीमारी होने का अंदेशा है। ये आमना के लाल ने 1500 बरस पहले कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह! आज उस नतीजे पर पहुंचे मेरे मुस्तफा ने बहुत पहले इसकी आगाही दी। हुजूर की तालीमात को पढ़ेंगे जानेंगे तब ना, हमने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। साल में एक मर्तबा रमजान आता है, देखना टोपी रंग बिरंग की लेकर के जो मस्जिद में भीड़ लगाता है, शबे बरात और शबे कद्र में इमाम साहब के कमरे में जाकर बोलता है, इमाम साहब नहीं चलिएगा। साल भर नमाज पढ़ते हैं इमाम साहब, ये एक दिन का मुसलमान आया है शबे बरात और शबे कद्र में, इमाम के कमरे में जाकर बोलता नहीं चलिएगा। लगता मारे ऐसी लात के चेहरे की जुग्राफिया तब्दील हो जाए। इमाम साहब को लेकर के जाएगा मस्जिद और वहां जाकर के रात भर नमाज पढ़ेगा। ये तुमको समझाया किसी ने नहीं कि शबे बरात और शबे कद्र की नमाजें नमाजें नफल है, और तब तक नमाजें नफल कबूल नहीं होती है जब तक फर्ज की नमाज अदा न कर ले। किसी ने नहीं समझाया तुमको ये नमाजें नफल, ये तो बोनस है। बोनस किसको मिलता है? कोई किसी कंपनी में 8 घंटे का काम करेगा तब वो 2 घंटा ओवर टाइम करेगा तो उसको बोनस मिलेगा। जो 8 घंटे की ड्यूटी गायब करके 2 घंटा जाएगा उसको काय को बोनस मिलेगा? क्या बात है, क्या बात है! बोनस मिलेगा? 5 वक्त की नमाजें तुम्हारे ऊपर फर्ज थी, उसको छोड़कर तुमने जाकर शबे पर ऑफर चाहिए ना। 12 रकअत नमाज पढ़ो, 12,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। हाँ मिलेगा। सारी नमाजें गोल कर ली और 12,000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। ये उसके लिए है जो 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करते हैं। ये उन लोगों के लिए। आपने समझा ही नहीं इस्लाम। इन बच्चों को यहाँ बैठाया जाता है, इन बच्चों को सामने भी, इन बच्चों को दस्तार के सर पर दस्तार रखी जाएगी। कौन देखेंगे इसको? सिर्फ माँ बाप देखेंगे। इतना बड़ा स्टेज लगाकर इतना खर्च करके 1 महीने से घर घर जाकर चंदा करके ये प्रोग्राम करना और 8-10 बच्चों के सर पर दस्तार बांधना, इसका मतलब क्या है? बंद कमरे में भी दस्तार दे देते तो चलता ना, मगर इतने ऐलान का मतलब क्या है? इतना पैसा खर्च करने के पीछे राज क्या है? इसका मतलब है कि तुम भी देख लो कि मुस्तफा के इल्म की वजह से जब दुनिया में इतनी इज्जत मिलती है तो आखिरत में कितनी इज्जत मिलेगी उसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, दीने मुस्तफा, मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। दुनिया में इतनी इज्जत मिलती है तो आखिरत में कितनी इज्जत मिलेगी?
ये दुनिया वाले जाने। हाय 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 हाय, ये सबको पता चलना चाहिए। वाह तुम ना बोल रहे हैं भाई, क्या कहने हैं। इसीलिए वाह वाह, घर घर जाकर चंदा किया जाता है ताकि तुम देखो कि हुजूर के इल्म की वजह से वकार कितना बुलंद हो जाता है, हुजूर के इल्म की वजह से स्टेटस कितना ऊंचा होता है, दुनिया वाले देखे ये दिखाया जाता है। बहुत उम्दा बोल रहे हैं भाई। हुजूर की महफिल में आकर के बैठने का मतलब तो हमने कभी जाना ही नहीं। मुंह में पान चिबा रहे हैं, चपर चपर गुटखा चिबा रहे हैं, तकरीर हो रही है, लोग सुन रहे हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट हुजूर के बयानात पे होने चाहिए। बोलने वाला चाहे कोई भी हो मगर बातें मेरे पैगंबर की हो रही है। हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की कोई बात नहीं है, ये समझिए। कोई नहीं है मुस्तफा की बराबरी के बराबर। अभी आपने क्या सुना, शहजादे सल्तनत सुखनवरी अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब चिल्ला। स्टेज की दुनिया में जितने नातखां हैं अगर सर्वे किया जाए तो 80% नातखां ऐसे हैं जो जाहिल हैं, और पब्लिक उन पर पैसे उड़ाती है, और उसकी वजह से लोगों के अंदर जो माहौल में जो परागंदगी आई, लोग ये सोचते हैं कि पैसा सिर्फ शायर को देना चाहिए, आलिम को नहीं देना चाहिए। यही वजह कि लोग अपने बच्चों को आलिम कम बना रहे हैं, शायर ज्यादा बना रहे हैं। क्या बात है, अब तो बाप ही अपने बेटे का प्रोग्राम बुक कर रहा है और बाप ही बेटे को लेकर के चल रहा है, ऐसा भी माहौल बन गया आज के डेट में। उसको तो समझ में आना चाहिए था ना कि बेवकूफ तेरा बेटा अभी पढ़ना चाहिए मंजूम उलूम में, उसे मदरसे में दाखला करवाता, उसके बाद जब तेरा बेटा आलिम बन जाता उसके बाद उसे मैदान में लाता, चाहे शायर की हैसियत से या खतीब की हैसियत से, चाहे जिस स्टेटस का मालिक होता, तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठती कि पैसा आवाज की वजह से नहीं मिलता है, पैसा हुजूर के इल्म की वजह से मिलता है। जब लोगों के दिमाग में ये बात बैठती तो लोग अपने बच्चों को आलिम बनाते। मुबारक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सनद याफ्ता आलिम का नाम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक। कलम में इतनी ताकत इतनी तवानाई कि अगर हुजूर आला हजरत के जमाने में होते तो गले लगा लिए होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके कलम में इतनी तवानाई बख्शी। वो जो शेर पेश किया था कि हुजूर अगर अपनी जुल्फें बिखेर दे तो मिस्र क्या पूरा जमाना जुलेखा हो जाए, उस शेर की गहराई तक आप गए नहीं। जुलेखा हो जाने का मतलब प्यार में अपने आप को बदनाम करना नहीं। जुलेखा जब हजरत यूसुफ के प्यार में फरेफ्ता हुई और जब शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद जुलेखा दूर दूर रहने लगी तो हजरत यूसुफ कहते जुलेखा इतनी बदनामी झेली किस लिए, जब मुझसे दूर ही रहना था मेरे करीब आने के लिए बदनाम हुई, मेरे करीब आने के लिए मिस्र की औरतों के ताने सहे, मेरे करीब आने के लिए अपनी आंखें रो रो कर अंधी कर ली, मेरे करीब आने के लिए जवानी को बर्बाद करके बुढ़ापे की दहलीज पे आ गई, और अब जब शादी हो गई मुझसे दूर रहने लगी। जुलेखा कहती है जब तक आपके करीब नहीं आई थी आपके खुदा को नहीं जाना था, अब आपके करीब आ गई हूँ तो आपके खुदा को जान गई हूँ, इसलिए अब आपसे ज्यादा प्यार मैं अपने परवरदिगार से करती हूँ। हाय 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 हाय, वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, लाजवाब। अब आपसे ज्यादा प्यार मैं अपने परवरदिगार से करती हूँ। बहुत उम्दा। तब हजरत यूसुफ ने कहा तो उसी परवरदिगार का हुक्म है कि तेरी कोख से खुदा नबी पैदा फरमाए। तब करीब गई